Because nothing bad happened to our life until we say so. So today we are starting our day a bit early. It's morning 8 AM and मेरे एक घंटे में वीडियो लाइव हो जाएगा which is the one the day I devoted to work and basically मज़ा आने वाला है. So with the same energy, with this morning energy, we will start our day. हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल. माय नेम इज पार्थ तोडेरा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो मॉम ने कल वैक्सीनेशन लिया था एंड शी इज फीलिंग वीकनेस. या उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो वीक हो गई है. बट बेसिकली ठीक है, चलेगा. नाउ आई हैव टू टेक अ बाथ. नाश्ता करना है. नाश्ता में बता देता हूँ, नाश्ता है चाय एंड आलू परोठा. बहुत मज़ा आने वाला है. आज नाश्ता भी अच्छा है. सो या क्विकली थोड़ा सा नाश्ता सब कुछ करके आपको. सो यस, मैं नहा धो के रेडी हो गया और मैंने मोस्टली नहाने के बाद मैं हमेशा ऑयल करता हूँ सर पे, जो नॉर्मल हम लोग का यूज़ करते हैं वही. और उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ विच इज़ बियर्ड ऑयल फ्रॉम बियर्डो. सो ये आपको हेल्प करता है ग्रो टू ग्रो बियर्ड मोर हेल्दी और रदर देन जस्ट जो तुम्हारा नॉर्मल बियर्ड उगता है. यस, तो हम नहा धो के तो रेडी हो गए, नाश्ता वास्ता हो गया. माई मॉम इज़ नॉट फीलिंग वेल बट इट्स गॉन अ बिट ओके. तो मैं नहा धो के रेडी होके बाद में अपने सर को ऑयल करता हूँ. देन आई ऑयल माई बियर्ड बिकॉज इट्स अ हेल्दी वे टू स्टार्ट अ डे. और उससे क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मली मेंस की बियर्ड होती है वो काफ़ी कैसे भी आ जाती है, जैसे कि मेरी है. इट्स नॉट परफेक्टली, मतलब पैचेस बोल सकते हैं, जो पैचेस आते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये ऑयल न्यूट्रिशन बहुत है इसके अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज हैव अ फ्रेगनेंस जिससे तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बहुत गलत वाली, मतलब वो होता है ना जो नॉर्मल बियर्ड ऑयल होते हैं ना, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि कभी कभी वो अपने नॉस्ट्रल्स में जाके वो बहुत अलग स्मेल करते हैं. देन वी हैव आलमंड ऑयल, ऑलिव, विटामिन ई एंड मिथर ऑयल एंड मिनरल ऑयल. सो ये सारे ऑयल्स की वजह से इट हेल्प्स टू ग्रो. तो बेसिकली इसे अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी है. तो हमें ये जो ऊपर का इसका ड्रॉप है, इट्स लाइक टेकिंग अ फ्यू ड्रॉप्स. तो हमें ड्रॉप्स लेने हैं हमारे हाथ में एंड देन वी हैव टू अप्लाई. मोस्टली सब लोग ऐसे ऐसे करते हैं पर वो कभी अप्लाई मत करना. इट डजेंट काउंट लाइक उससे ना पूरा अच्छे से तुम्हें बियर्ड को पूरा नहीं मिलेगा, मतलब नॉर्मली वो एक पर्टिकुलर जगह पे अटक जाता है. तो लेट्स ट्राई इट, मतलब लेट्स ट्राई इट मीन्स लेट्स डू दैट मैथड दैट आई एम सजेस्टिंग. सो या तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड में लेता हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट ही. मेरी ज़्यादा बियर्ड नहीं तो मैं दो या तीन ही ड्रॉप लेता हूँ, इट्स नॉट मोर देन दैट. निकाल, हो गया. तो पाम में लेके रब करके अच्छे से अप्लाई कर दो. सो यस, इट्स हैज बीन अप्लाई. मैंने कल ही शेव किए तो हमें पता चलेगा हाउ डज इट वर्क इन वन वीक. मैं एक वीक के बाद आपको बताऊंगा कि कैसा मेरा ग्रोथ है ये वाला पोर्शन, और ये भी पोर्शन बताऊंगा. अभी देख सकते हो आप कि मेरी बहुत, मतलब मुझे परफेक्ट बियर्ड अब तक आई नहीं है. मेरे भाई को 25 में, ऑलमोस्ट 24-25 में आई थी. तो मुझे भी लगता है मेरी भी उस टाइम आएगी या फिर नहीं भी आ सकती है. हमारे जीन्स में जो होता है वही होगा. तो अपने बॉडी के साथ ज़्यादा परेशानी मत करो जाके, मतलब हमेशा जिम जो जिम ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि मैं अपना गेन करूँगा, अपना लूज़ करूँगा, अपना गेन करूँगा, लूज़ करूँगा, ये चाहिए वो चाहिए. तुम्हारे हिसाब से तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी कितना ले सकती है, हाउ मच वो कितना प्रेशर झेल सकती है उतना ही रखो, उससे ज़्यादा मतलब फिट रहो
आई एम नॉट सेइंग कि अनहेल्दी रहो, बट फिट रहो रेदर देन शो ऑफ करने से. बॉडी शो ऑफ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है. सो लेट स्टार्ट अवर डे. शी इज वेटिंग फॉर मी. और यहाँ पे हमारी बेटी वेट कर रही है बाहर जाने का. और इन दोनों का मिलाप. मार दिया. तू ग्रेसी तू कर ले. सू जो कौन से चलो नीचे भी अभी डरपोक छे आपड़ी छोकरी. चलो बैक टू वर्क. किसी को तो घुमा लिया. आई टुक शॉर्ट शॉर्ट जो होपफुली आपको अच्छा लगेगा. ट्रांसलेशन के साथ वो अच्छा लगेगा. एंड नाउ आई एम वर्किंग. सो यू विल सी मी वर्किंग वाइल टाइम लैप्स. तो देखते कैसा लगता है. सो इट्स 7:10 और एक छोटा सा ब्रेक ले लिया गया है. हमारी प्यारी छोटी मोटी ग्रेसी सो रही है. मुन्नी वो पूरा दिन आलस के जैसे सोई रहती. उठ एक अभी भी आई सी उठ ही नहीं रही. उठी जा उठी जा. कुछ 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 खा दे. प्यारी छोकरी बोले समझदार छोकरो समझदार 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 समझदार. मर तो जा मरतू जो मरतू जो मरतू जो मरतू जो मरतू जो कुछ वो भी था आता. सारू वरू वरू आता पे छे वरू डू 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 डू. सो यस डन फॉर द डे. एंड 11 बज गए हैं. 11 कैसे बजे बता देता हूँ. इट्स 11:02 हो गए और मैं लॉगिंग ऑफ ब्लॉग ऑफ कर ही रहा हूँ. या डेफिनेटली डेफिनेटली इट वॉज अ हेल ऑफ अ डे. बट इट वॉज अ गुड डे. एंड मज़ा आ गया यार. बहुत मज़ा आ गया. सब फुल चिल दिन था आज का दिन. और बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने मिला इन वर्क लाइफ. क्योंकि एक नया प्रोसेस है तो नए प्रोसेस को सॉरी मैं एक बार चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं. सो नए प्रोसेस को सीखते सीखते इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो मैं नॉर्मली अपने इमाटिकास का जो कोर्स किया था उसके अंदर था और वही अप्लाई करना था. सो आई लाइक इट एंड आई लव इट. सो यस इट वाज अ प्रोग्रेसिव डे एंड इट वाज अ हैप्पी डे बिकॉज नथिंग बैड हैपन टू आवर लाइफ अंटिल वी से सो. ये मैंने आज कोड पढ़ा था किधर तो मैंने बोल दिया. और तो कुछ नहीं. बस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं. मिलते हैं ऐसे ही किसी व्लॉग में. तब तक के लिए सबको बाय बाय. स्टे ट्यून्ड स्टे अवेक एंड सबको जय श्री कृष्ण. बाय बाय.